हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लेट सेट एस इज 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेप्ट द सेट ऑफ फोर रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस दैट सर्टिफाई बोथ द प्रॉपर्टीज इफ आर हैज आर हैज एग्जैक्टली सिक्स एलिमेंट्स फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वी हैव मोड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेट वाई इज इक्वल टू आर बिलोंग्स टू एक्स द रेंज ऑफ आर हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स एंड जेड इज आर बिलोंग्स टू एक्स सच दैट आर द फंक्शन फ्रॉम एस टू एस लेट एन ए डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए Question number 1, if n of x is equal to mc6, then the value of m is this. And question number 2, so if the value of ny plus nz is k square, then mod k is this. So, यहाँ पर हमें value किसकी find करनी है? Mod k की value find करनी है. So, यहाँ पर हमें जो set की concept देख लेते हैं. Key concept. A relation. Relation. On a set को means में. यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सेट एस हम यहाँ पर क्या डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसने बोला है कि जो आर हमारे पास रिलेशन है, एस से एस पर रिलेशन है, और आर के अंदर केवल एग्जैक्टली कितने हैं, सिक्स एलिमेंट है। और एक्स भी तो सेट ऑफ ऑल रिलेशन फ्रॉम आर रिलेशन, सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर टाइप के हैं फ्रॉम एस टू एस में, ठीक है ना। तो पहले टोटल पेयर बनाते हैं, आर के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। आर के अंदर भी एलिमेंट जाएंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो दैट मोड ए माइनस बी माना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। यानी कि 4 Each a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाई करेगा, जो मॉड ए माइनस बी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ऑल सच पेयर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑल सच पेयर कौन कौन से होंगे, 1.3 1.4 1.5 1.6, फिर इसका रिवर्स कर देंगे 3.1 4.1 5.1, बिकॉज मॉड है ना, 6.1 भी चला जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा 2 से स्टार्ट करें तो 2.4 आ जाएगा, 2.5 2.6, और इसका फिर से रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.2 भी आ जाएगा, 5.2 और 6.2, ठीक है। और फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3.5 3.6, सो 3.6 चला जाएगा, 5.3 6.3, फिर आ जाएगा 4.6 6.4, ठीक है। 4 वाला, 5 वाला नहीं जाएगा, बिकॉज मोड एक माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ऐसे टोटल पेयर हमारे पास कितने हैं, 20 आए। बट आर के अंदर केवल एग्जैक्ट कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 6 ही एलिमेंट्स आर के अंदर जा सकते हैं। और एस हमारे पास एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर, आर सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर जो एस से एस पर डिफाइन है। तो एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में यही बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 20 में से कोई भी चीज सेलेक्ट कर लेंगे वो आर के अंदर चले जाएंगे। तो 20c6 दैट इज यहाँ से, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, mc6 के इक्वल गिवन है, दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें बोला है कि जो y सेट हमारे पास डिफाइन है वो क्या है, r हमारा x में जा रहा है, सच दैट द रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स। कि रेंज के अंदर केवल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, वन ही एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर कितने लास्ट में रेंज हमारे पास सेकंड पेयर 1.3, तो रेंज या तो 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, और हमारे पास 3 भी, 1 से लेकर के 6 सभी रेंज के अंदर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखना कि इसने बोला कि रेंज के अंदर केवल 6 एक एलिमेंट होना चाहिए, इट मीन्स और आर के अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, 6 के अंदर जो 6 हमारे पास पेयर बनेंगे उसमें जो लास्ट एलिमेंट होना चाहिए पेयर का, ऑर्डर पेयर हमारे पास आ रहा है, यानी कि सेकंड एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर 6 बार नहीं आ रहा है, रेंज के अंदर कोई भी एलिमेंट 6 बार नहीं आएगा, बिकॉज 3 भी हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3 बार आ रहा है, 1 हमारे पास 4 बार आ रहा है, 6 भी 4 बार आ रहा है, तो कोई भी एलिमेंट हमारा 6 बार नहीं आएगा। तो रेंज के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली एक ही टाइम हो, द रेंज ऑफ आर हैज एग्जैक्टली केवल एक एलिमेंट हो रेंज के अंदर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जो एन ऑफ वाई है ना, ये तो आ जाएगा हमारा 0। और फिर इसने जो जेड बनाया है, जेड कैसे बनाया है, आर हमारा एक्स में बिलोंग कर रहा है, सच दैट आर इज अ फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। एस से एस पर हमारा फंक्शन है,
और एस के अंदर कितने एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो फंक्शन कब बनेगा, जब हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दो इमेज आ रही हो, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए ना, डिफरेंट, यानी कि वन हमारे पास तो अगर एक एलिमेंट पर मैप हो गया तो वन दूसरे एलिमेंट पर मैप नहीं होना चाहिए, फंक्शन की जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसको फॉलो करना है। बट अब इसमें देखना, अब हमारे पास वन की इमेज क्या हो सकती है, वन की इमेज थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है, सिक्स भी हो सकती है, बट हम एक ही एलिमेंट पर मैप करना है, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी है वन को मैप करने के लिए, 3 4 चॉइसेस हैं, तो चार में से कोई भी एक चॉइस उठा लेंगे, तो एन ऑफ जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, वन को मैप करने के लिए हमारे पास कितने हैं, 4 चॉइस हैं, तो चार में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो एन ऑफ जेड हमारे पास आ जाएगा 4c1। अब टू को मैप करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, टू को कहाँ पर मैप कर सकते हैं हम, टू को मैप कर सकते हैं 4 पर मैप कर सकते हैं, 5 पर मैप कर सकते हैं, 6 पर भी मैप कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3c1 आ जाएगा, तीन में से कोई भी चूज कर लेंगे, 3 के लिए भी 3 चॉइसेस हैं, 3c1, 3 3 में सेलेक्ट करेंगे, तो सिमिलरली 4 हमारे पास किस पर मैप हो सकता है, 4 हमारा किस पर मैप हो सकता है, 4 2 पर जा सकता है, और 4 हमारा कहाँ पर मैप हो सकता है, 1 पर भी, इसके लिए भी 3 में से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, 3c1, 5 के लिए भी सेम आ जाएगा, 3c1 सॉरी 3c1 ही आएगा, बिकॉज इसके लिए भी हमारे पास तीन ही चॉइसेस हैं, ये 2 पर जा सकता है, 3 पर जा सकता है, और 1 पर जा सकता है, 6 के लिए देखने, 6 के लिए 6 4 पर जा सकता है, 1 पर, 2 पर और 3 पर, तो 6 के लिए 4, ये हमारा 3c1 आएगा, 4c1 आ जाएगा, ये भी एन ऑफ जेड हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 × 3 × 3 × 3 × 3 × 4, दैट इज ये आ जाएगा 16 × 81, ये एन ऑफ जेड आ गया। अब क्वेश्चन में जो एन ऑफ वाई प्लस एन ऑफ जेड है, ये हमारा किसके इक्वल गिवन है, के स्क्वायर के इक्वल गिवन है, दैट इज ये हमारे पास आ गया 16 × 81, दैट इज के हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ही है, तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आया वो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। होप यू स्टडी वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।